जाते हैं। व्यूवर्स, इस वक्त हम आगे हैं रावला कोट मैदान में। आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं खूबसूरत वाटर स्ट्रीम जो ऊपर अली लेक और दरवाज़ा गली से बह के नीचे की तरफ आ रही है। आसपास खेती बाड़ी है, काफ़ी सारे यहाँ पर लोकल्स के जा रहे हैं। टीम मेरी इस वक्त सारी चिल माहौल में है, रेस्ट पोजिशन में है। काफ़ी सारे पिछले ज़माने के रोड़े परोड़े भी हैं उसके बाद चेहरे भी बीच में हैं। इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन हम कराएंगे ऊपर जब पहुँच जाएंगे हम रावला कोट माली पर। और यहाँ पर एक शॉप भी है, यहाँ से आपको छोटी मोटी खाने की चीज़ें भी मिल सकती हैं। पानी का कोई इशू नहीं है, आपको हर 5-10 मिनट के बाद ट्रैकिंग पे पानी मिल सकता है। आसान साहब हमारे साथ व्लॉग में, हम उनको एंटर करेंगे। जी साहब, क्या मसला है? बिल्कुल ठीक है जी, फुल एंजॉय है। अब आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो वक्त ही यहाँ पर थोड़ा सस्ते है। अच्छा, थोड़ा चल कर रहे हैं, शॉप वगैरह हैं, चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, साबुन वगैरह, पत्ती चीनी ले ली है। हाँ, तो इधर एक ऐसी ज़मीन है उसके नीचे ले के उसके ऊपर कुछ पत्थर हैं और कुछ घास के पैचेज हैं, उनके ऊपर जब खड़ा होता है ना नीचे से पानी उस जगह फ्लो करती है, जैसे जगह के अंदर कुछ थोड़ा सा थ्रेट से आते हैं। तो उसकी सैर करवाने के लिए फाइनली हमारे साथ नसीर हैं। नसीर हमारे इस ट्रिप के टूर गाइड भी हैं, तो इनके साथ हम आगे भी आप इंशाल्लाह व्लॉग में इनको देखते रहेंगे। तो अभी नसीर हमें बताएंगे यार क्या सीन है, वो क्या कैसी जगह। नसीर थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। हाँ, भाई ऊपर जो है कि घास है, नीचे पानी है, जब उसके ऊपर बंदा चलते हैं वो फुल जंप कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम आपको लेके जा रहे हैं, तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। ठीक है जी, 2-3 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह आपको उसका व्लॉग में भी वो भी दिखाएंगे कि बेसिकली वो क्या चीज़ है। सो व्यूवर्स, उस जगह पर हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा ग्रीन पैचेज है और इसके पीछे आप देख सकते हैं वॉर भी लगी हुई है, तार है, और ये बड़ी खूबसूरत है, एक लश ग्रीन हल्का सा मेडो है। और आगे उस जगह में जा रहे हैं जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर नीचे पानी है और वो जगह थोड़ी अप एंड डाउन हो रही है, तो वो हम डेमो करके नसीर हमें दिखाएंगे। तो नसीर भी हमारे साथ है, तो हम चलते हैं उस अपने डेस्टिनेशन की तरफ और ये भी हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे। ने तो मुझे उठा के अपने ऊपर इस जगह पे ले आया। थैंक यू नसीर यार, पीछे की व्यूज चेक करें मेरे भाई, कितना खूबसूरत मेडोज है यार। अभी वो जगह पे हम जा रहे हैं, वो देखें, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बच्चे लगे हुए हैं वहाँ पे पुश एंड डाउन कर रहे हैं। जगह बहुत ज़्यादा है, इसके नीचे ऑलमोस्ट पूरी लेक है। और ये देखें, अभी मैं अपने पाँव आपको दिखा नहीं रहा, मेरे जूते भी गिले हो चुके हैं। अभी हमें डेमो देते हैं। अब बताओ यार ये सीन क्या है, ये देखें, ये देख ले व्यूअर। हाँ, ओ ये तो ऐसे हो रहे जैसे जलजला। मैं आगे व्यूअर जा नहीं सकता, इसके नीचे बहुत मेरे ख्याल में हैवी पानी है। ये देखो जी, हो बिल्कुल भाई, इसके नीचे बहुत बड़ा पानी है और पानी के ऊपर ऑलमोस्ट घास है। वो देखें, पूरी पूरी की पूरी जमीन के पैचेस हल रहे हैं। वो देखें, यार ये सीन मैंने पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया है यार। नसीर, क्या यार कैसी जगह पे ले हो भाई? भाई देख ले आपके, बहुत ही प्यारे व्यू है। क्या चल है यार, पीछे देखें नसीर चल कर। ये देख सकते हैं आप यहाँ के मनाज़र। हाँ, यहाँ पे जंप किया जाए, ये देख लें।
और ये कितना ही प्यारा है यार, ये देख। ये देखो ये पूरा जो एरिया ही है, ये देख ले। हाँ ये देख लें, यहाँ के मकामी लोग हैं और इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत ही प्यारा ये है, यहाँ पे नीचे पानी है। और ये देख लें यहाँ पे मैं वो जंप कर रहा हूँ, लेकिन नीचे पानी की पोजीशन देख लें। फाइनली हमने वो व्यू देख लिए, अब हम वापसी पे जा रहे हैं। रिजवान भाई ठहरे, मैं आपको उठा के ले जाऊँगा, लेकिन वो सामने देख लें। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा व्लॉग, एक पानी की झील और उसके ऊपर एक घास की ते बड़ी पसंद आई होगी। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं ऐसी जगह को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख सकता हूँ। ऊपर एक पूरी सब्जी की ते और उसके नीचे तकरीबन 90% पानी है, पानी नीचे है। जब उसके ऊपर बंदा जंप करता है तो नीचे से पानी का फ्लो होता है और ऑलमोस्ट जो बाद एक ये घास की ते है ना, ये इतनी मोटी है कि इंसान उसमें डूब नहीं सकता। वो ऊपर नीचे होती रहती है, जंप अप होती रहती है, लेकिन ये कि इंसान डूब नहीं सकता। ये एक मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ये भी आपको कागान वैली रावला कोट के मकाम पर मिल सकती है। आई होप को ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियोज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं आपको रावला कोट के व्लॉग में, और रावला कोट माली की सैर करवाएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आपने अपना और मुल्क पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने मेज़बान रिजवान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह रहेगा आगो पार सूर्य तो अपने लिए। ये जो ग्रीन पैचेस है, इसके नीचे वो झील थी जिसको हमने एक्सप्लोर किया था। इसके नीचे झील है, ऊपर घास कितने हैं। वहाँ से ट्रैक करके फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ तक। तो अभी यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट कितना है, एक घंटे का ट्रैक रह गए, एक घंटे में।